आ गई। ये तो आसन और प्राणायाम उसके प्रारंभिक रूप है, और आगे चल करके प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि, यहाँ तक वहाँ उस योग में भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी वह सारा योग बाहर का है और असली अंदर का जो योग है वही सारभूत। अंदर के योग से चर्चा कल ये भी की थी अपन ने, जो काय वांग्मनः कर्म योग, हाँ, मन वचन काय वाला योग है उसकी बात नहीं है। योगः समाधि ध्यानम इत्यनर्थांतरम, और आदरणीय दादा ने भी लिखा यही है योग, यही है ध्यान। तो जो ध्यान है वही योग है और वही सारभूत है, उसी योग सार का आधार लेकर के असली उस योग का सार जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवंत और अरहंत भगवंत, इनको मंगलाचरण में नमस्कार किया है। कल उनकी अपन ने चर्चा की थी, वह मंगलाचरण हिंदी पद्यानुवाद के माध्यम से पढ़ते हुए आज की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। आपके सामने आ रहा है, बोली, सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति हरि हरिहंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। अरहंत भगवान की चर्चा कल अपन ने की थी। अरहंत भगवान का दूसरा नाम संयोग केवली है, संयोग केवली है। तो योग है तो योग सहित है, तो फिर वे केवली परमात्मा और अरहंत कैसे बन गए? वो योग का सार उन्होंने कैसे प्राप्त कर लिया? कल नाटक समय सार के छंद के आधार से चर्चा हो रही थी, आपने ध्यान से सुनी होगी। सन्यासी सहज जोगी, जोग सो उदासी, जामे प्रकृति पचासी, लग रही जरी छारसी। सन्यासी सहज जोगी, जोग सो उदासी, वे सन्यासी है, सहज योगी है और योग सो उदासी, ये योग सार है। सहज योगी का अर्थ वहाँ अलग है और जोग सो उदासी का अर्थ अलग है। जो सहज योगी कहा जा रहा है उसका अर्थ है मुनिराज को पर से अपनी वृत्ति हटा करके, पर से उपयोग हटा करके, स्वसन्मुख होकर के, अपने में लीन होकर के वह ध्यानात्मक योग करना पड़ता होता है, उनके भी प्रयत्न पूर्वक होता है। लेकिन अरहंत भगवान की दशा सहज ऐसी हो गई है कि अब उनका उपयोग सहज ही अपने में ही जुड़ा हुआ है, अब वहाँ से उपयोग बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए सहज योगी। वह ध्यान की अपेक्षा सहज योगी है और जोग सो उदासी। वो जो बाकी मन वचन काय वाला योग अभी शेष है, और मन वचन काय वाला योग भी एक तरह से द्रव्य योग रूप ही है, मनोयोग द्रव्य योग रूप में ही है, और उससे भी अत्यंत उदासी है। अरे उनकी वाणी खिरती है,
उनकी वाणी खिरती है, वहाँ भी वचन योग से जुड़ना पड़ता होगा ना उनको, वहाँ भी वचन योग से जुड़ना नहीं पड़ता है। भवि भागण वच जोगे वशाय, तुम धुनि भय सुनी विभ्रम नशाय। सहज ही योग से उदासीन रहते हैं बस उनकी, इसीलिए तो कहा प्रकृति पिचासी लग रही जरी छार सी, जली हुई रस्सी जैसी बस वह प्रकृतियाँ लगी है। ऐसे ही मन वचन काय योग भी हो करके भी न होने के समान है, इसलिए वह उदासी है। ऐसे योग सार के माध्यम से उन्होंने दशा प्राप्त की है। योग सार की चर्चा और आगे प्रारंभ करें उससे पहले योग सार आचार्य योगिंदु देव ने किसके लिए लिखा है, लिखा किसके लिए, हमारे लिए लिखा, हमारे लिए लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है हमारे लिए। अब विचार करना कि हमारे लिए लिखा है कि नहीं लिखा। अब हम पढ़ रहे हैं तो हम तो कहेंगे हमारे लिए लिखा है, लेकिन उन्होंने जिन्हें लिखा हुआ है उसमें हम शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, हम उसके पात्र है कि नहीं है, उन्होंने किन के लिए लिखा है, ये तीसरे दोहे के माध्यम से बात करते हैं। अपभ्रंश भाषा वाला दोहा है, उनका मूल पढ़ लेते हैं, सरल पद्यानुवाद भी साथ में है आदरणीय डॉक्टर साहब का किया हुआ, उसके माध्यम से फिर अपन चर्चा करते हैं किन के लिए लिखा। संसार भय भी अहम मोकहम लालसियाहम अप्पा संबोहन कई दोहा एक मणाहम। वैसे तो अपभ्रंश भाषा संस्कृत प्राकृत से और सरल है, वह योगेंद्र देव ने अपभ्रंश भाषा में क्यों लिखा होगा, क्योंकि उस समय की प्रचलित जन भाषा थी और सबको सर्वजन सहज सुलभ हो इसके लिए उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखा। लेकिन आज वह भी हमारे लिए कठिन हो गई तो आदरणीय दादा ने और सरल भाषा में हिंदी में हमारे लिए उसके सामने रखा। क्या पद्यानुवाद दिया, किसके लिए लिखा, है मोक्ष की अभिलाष अर भयभीत है संसार से, है समर्पित यह देश ना उन भव्य जीवों के लिए। किन के लिए लिखी, सबसे पहले कह रहे हैं भव्य जीवों के लिए लिखी, तो हम भव्य है कि नहीं है, बराबर है, आप सब भव्य है तो जरूर आप कह रहे हैं कि हमारे लिए लिखी है, क्योंकि हम भव्य है। और क्यों भव्य है, क्योंकि तत्प्रति प्रीति चित्तेण येण वार्ता पी ही श्रुता निश्चितम स भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। हम जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी प्रीति पूर्वक प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं तो हम भव्य नहीं होंगे तो और कौन भव्य होंगे, परंतु निकट भव्य है कि दूरांदूर भव्य है, निकट भव्य है कि दूरांदूर भव्य है, निकट भव्य ही है, दूरांदूर भव्य तो कहने का ही भव्य है, वह अभव्य सम ही है। लेकिन वह निकट भव्यता भी निकट आ रही कि नहीं आ रही है, उन भव्यों में से भी ऐसे भव्य है कि नहीं, कैसे, दो विशेषता की बात कर रहे हैं, संसार से भयभीत है और मोक्ष की अभिलाष है। हम सब यहाँ बैठे हैं, अपने आप को आत्मार्थी कहलाते हैं, आत्मार्थी, श्रीमद् रायचंद जी ने भी आत्मार्थ की परिभाषा दी, कौन है आत्मार्थी, किसे आत्मार्थी कहना, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। वही बात कह रहे हैं, संसार से भयभीत हो और मोक्ष की अभिलाषा हो। अपने आप में हम विचार करके देखें, क्या सचमुच संसार से भय लगता है,
यदि संसार से भय लगता होता, जैसे शरीर में कोई रोग हुआ हो और उस रोग के लिए डॉक्टर यदि कुछ कहे, उससे बचने के लिए हम जैसे तैयार होते हैं, भैया ये भयंकर रोग है, पता नहीं इसका क्या होगा, और इसके लिए तुम्हें यदि जो नहीं खाने के लिए, डायबिटीज़ हुई है, शक्कर नहीं खानी है, बीपी बढ़ता है, नमक नहीं खाना है, इस खाने से तो हम डरते हैं, इससे तो हम बराबर बचते हैं, क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि है, इससे भय डरते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा क्या सचमुच संसार से भय लगता है? और यदि संसार से भय लगता है तो फिर संसार बढ़ाने वाले जो कारण, कषाय की उपशांता हो रही है, मोह राग द्वेष के परिणाम हमारे कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहाँ संसार से भयभीत है, कहाँ संसार से भय लग रहा है? और यदि संसार से भय नहीं लग रहा है, कहते योगिंदु देव कहते हैं हम आपके लिए वह देशना नहीं है। यदि आप संसार से भयभीत हो रहे हैं और मोक्ष की अभिलाषा है तो आपके लिए है। भय लग तो रहा है, लेकिन कैसा भय लग रहा है? एक व्यक्ति से मिलने गए और वो व्यक्ति कुत्ता पालता था, कुत्ते से बहुत प्रेम था उसे, और उस कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा वो बहुत उसका लगा हुआ था, उसके साथ में हमेशा उसके पास ही बैठता था। तो जहाँ वो बैठा था उसके बाजू में एक स्टूल रखा हुआ था और वे स्टूल पर वो बैठा हुआ था। तब मिलने गए, बैठे, बातचीत कर रहे थे, तो जितनी देर उसके पास में बैठे, वो छोटा सा बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, वह गुनगुना रहा था बार बार, थोड़ा सा उठ जाए फिर बैठ जाए, फिर उठ जाए फिर बैठ जाए, गुनगुना रहा था। तो बाद में लगा कि इसको कुछ तकलीफ है, तो आते आते फिर उससे पूछा कि भैया ये आपका इस कुत्ता जो है, इसे कुछ तकलीफ है क्या, उसे कुछ दिक्कत है क्या? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब से देख रहे हैं कि यहाँ बैठा बैठा गुनगुना रहा है, थोड़ा सा उठता है बैठता है फिर गुनगुनाता रहता है, क्या बात है? तो बोले ये मेरे ही पास बैठना चाहता है और ये इस स्टूल पर आकर के बैठता है, और जहाँ ये बैठा हुआ है इस स्टूल में एक कील निकली हुई है और ये कील उसे चुभती है, तो चुभती है तो उठकर जाता क्यों नहीं है? कहते उसे उतनी नहीं चुभ रही है कि उठकर चला जाए, तो थोड़ी चुभती है, थोड़ा गुनगुनाता है, और फिर क्या होता है, फिर वहीं आकर के बैठता है, बैठना उसको वही है। क्या हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है? अनेकों बार ऐसा लगता है घर कुटुंब परिवार व्यापार धंधा ये सारा झंझट ये कैसा है, ये बहुत दुखदायक है, और ये सब छोड़कर चले जाना चाहिए। अभी शिविर में आने के लिए कह रहे थे ना, आओ शिविर में, तैयार है आने के लिए, लगता है छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन फिर लौट फिर कर कहाँ आते हैं, वहीं आते हैं। दुखदायक लगते हैं लेकिन इतने दुखदायक भी नहीं लगते हैं कि इन सबको छोड़ा जाए, इन सबसे लक्ष्य हटाया जाए, इतना भी दुखदायक नहीं लगता है। इसका मतलब हम उतने संसार से अभी भयभीत नहीं है, और संसार से भयभीत नहीं है तो मोक्ष की अभिलाषा है कि नहीं है? यदि वह मुक्ति की अभिलाषा है, मुक्ति की तरफ जाने वाले हैं, तो हमारे लक्षण उस तरफ से दिखने चाहिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। दो मुख सुई सुयेन किंथा, दो मुख पंथी चलेन पंथा, दो काम नहीं हो ये सया ने, विषय भोग अरु मोखौ जाने। पांच इंद्री विषय भोग ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसलिए हम उन पांच इंद्री विषय भोगों को इकट्ठा करना जोड़ना भोगने में लगे हुए हैं,
उन्हीं में हमारी सुख बुद्धि लग रही है और हम समझ रहे हैं कि मोक्ष की अभिलाष। कोई कहे कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी तो पांच इंद्री विषय भोग भोगते हैं और उन ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु कहे जाते हैं, और हमने भोग लिया तो क्या हो गया, हमारी मोक्ष की अभिलाषा चली गई क्या? अरे वो दिखते हैं लेकिन भोगते नहीं हैं। ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीत संभवे नाही, ज्ञान कला जिनके घट जागी वे जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीत संभवे नाही, हमें दिख रहा है लेकिन मगन नहीं है, तो फिर हमारे यदि संसार से भयभीत नहीं और मोक्ष की अभिलाषा नहीं है तो फिर हमारे लिए तो नहीं होगी। फिर योगिंदु देव ने लिखे तो हैं, तो फिर किसके लिए लिखे? यदि ऐसा कोई एक भी श्रोता एक भी पाठक नहीं मिलता तो अंत में पूरे लिखने के बाद में फिर वो ये कहते हैं, ऐसा मत समझ लेना कि मैंने ये सब आपके लिए लिखा हो। जो संसार से भयभीत और मोक्ष की अभिलाषा है, ऐसा कोई एक भी व्यक्ति हो ना हो, ऐसा मत समझो मैं तो हूँ, मैं मतलब योगिंदु तो कह रहे हैं। यदि उनके लिए नहीं तो कहते हुए मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। ये अंतिम 108 नंबर के दोहे में लिखते हैं। अब मैं अपभ्रंश का दोहा नहीं पढ़ता हूँ, सीधा हिंदी का पद्यानुवाद ही पढ़ता हूँ। आपके सामने भी आ रहा है क्या 108 नंबर का दोहा? चलिए नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। भव दुखों से भयभीत योगी चंद्र मुनिवर देव ने ये एक मन से रचे दोहे स्वयं को संबोधने। किसके लिए लिखा? वो कहते हैं और लोग संसार से भयभीत हो कि ना हो, इन मैं तो संसार से भयभीत हूँ, इसलिए मैंने अपने को स्वयं को संबोधने के लिए ये दोहे एक मन से रचे हैं। यहाँ भी कुंद कुंद आचार्य देव का अनुसरण किया योगिंदु देव ने। कैसे किया? नियम सार में कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं, नियम सार की रचना किस लिए की है? प्रमोद जी भाई साहब, नियम सार की रचना किस लिए की है? निय भावना निमित्तम, निज अपनी भावना के लिए नियम सार की रचना की। ऐसा योगिंदु देव कहते हैं, अपने को संबोधने के लिए। कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की डायरी बनाता है, उसमें क्या लिखेगा? अपने लिए जो सबसे उत्कृष्ट बात होगी वो लिखेगा। और योगिंदु देव ने स्वयं को संबोधने के लिए लिखा है तो कितनी उत्कृष्ट बात होगी, इसकी आप चर्चा समझ सकते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। अभी आदरणीय भाई साहब की जो चर्चा चल रही थी नाटक समय सार के आधार से, वह विषय भी इसमें बहुत आया हुआ है। अभी तो हम उस विषय पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस विषय की चर्चा इसमें बहुत है। कौन सी? जिन सो जीव, जीव सो जिन, जिनेन्द्र भगवान है सोई जीव है, और जीव है सोई जिन है। तन जिन एकन माने कोई, जीव और जिन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी इस संदर्भ में बहुत सारे दोहे यहाँ पर आए हुए हैं, समय मिलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जब इतना उत्कृष्ट हमारे पास संबोधन करने के लिए है, ये सब बात है, योग सार उसका आश्रय लेकर के मुनिराज अपना कल्याण कर रहे हैं, अरंत भगवान ने अपना कल्याण कर लिया है, और सिद्ध भगवान तो पूरी तरह से उस कल्याण स्वरूप हुए हैं, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? हमारी क्या कमी रही है जिसके कारण से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? हम चर्चा करते हैं 49वें दोहे से। 49वें दोहे में हमारी क्या कमी रह रही है, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा रहे हैं।
हमारी कमी हमारी ख्याल में आए उसे दूर करकर हम इस मार्ग पर लग सकते हैं, क्या कहते हैं? आया 49वां आ गया, हिंदी पद्यानुवाद से लेते हैं अपन। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की। आयु निरंतर गलती जा रही है और जैसी जैसी आयु जाती जा रही है भाई, उम्र बढ़ती जा रही है, तो उम्र बढ़ती जा रही है तो आशाएं घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, इच्छाएं घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, विषयों की लालसा घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, और हमारी स्थिति क्या हो रही है? जैसी जैसी आयु घटती जाती है वैसी वैसी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आदरणीय दादा ने भी 12 भावना में लिखा ना, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा नजदीक आती जा रही। ये वस्तु स्थिति कितनी स्पष्ट है, आयु निरंतर जा ही रही है। अब ये तो जैसी जैसी आयु बढ़ती है उनको ख्याल में आता है, आयु बढ़ती है रोग शरीर में आने लग जाते हैं, और रोग शरीर में आने लग जाते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये छोड़ने पड़ते हैं, और फिर उनके खाने की इच्छा होती जाती है। रोगों के कारण खाने की इच्छा त्याग किया छोड़वाया है और फिर भी उनकी इच्छा हो रही, ये तो अलग बात है। शरीर को वह अनुकूल नहीं पड़ता है, पचा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनके खाने की लेने की इच्छा विषय तृष्णा ये निरंतर बढ़ती जाती है। और दूसरी बात कह रहे हैं, मोह स्फुरे हितना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की। आयु बढ़ती जा रही है और बच्चों के प्रति मोह बढ़ता जाता है, बच्चों के बाद बच्चों के बच्चे होते हैं तो और मोह बढ़ता है। लोक में कहते हैं मूल से व्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो उसके प्रति और मोह बढ़ता है, माने मोह आगे बढ़ता ही जाता है। धन संपत्ति वैभव इनके संदर्भ में भी और अधिक की इच्छाएं होती रहती है। एक मरणासन्न व्यक्ति, बिल्कुल अभी मरणासन्न हो रहा है, वो पूछता है बड़ा बेटा कहाँ है, तो लगा कि भैया पता नहीं समय आ गया, अभी नज़दीकी आ गया लग रहा है, तो दौड़ के आया मैं यहीं तो हूँ। मझला कहाँ है, यहीं तो है। छोटा कहाँ है, यहीं तो है। क्या कहा होगा, अरे सबके सब यही हो तो फिर दुकान पर कौन गया है, दुकान कौन संभाल रहा है, अरे तुम तो जा रहे हो तो तुम्हें अपने अगले भाव की सोचना चाहिए, अभी इसी भाव की इस दुकान की पड़ी हुई है। और ये मोह स्फुरे, अपना हित स्फुरता नहीं है, मोह ही निरंतर स्फुरता रहता है, इसलिए अपना उपयोग अपने से नहीं जुड़ पाता है, तो हमें चाहिए कि हम अपना मोह घटाए, आशाएं कम करें। आयु तो जाने वाली है, इसे तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। श्रीमद जी ने लिखा ना, आयु छोटी है जंजाल लंबा है, तो क्या किया जाए, आयु तो बढ़ाई नहीं जा सकती है तो क्या करना चाहिए, अरे जंजाल छोटा करो तो आयु अपने आप लंबी लगने लगेगी। आयु बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन विषय तृष्णा आशा ये कम करना तो हमारे हाथ में है। और ये सब करते हुए और क्या कारण है, 52वें दोहे में कहते हैं क्यों हम इधर नहीं लग पा रहे हैं। मैं अभी दो दोहों की चर्चा सिर्फ करूंगा आपके बीच में, अभी बहुत से व्यापारी भी बैठे हुए हैं उनकी चर्चा, और साथ में
बहुत से विद्वान भी दिख रहे हैं, उनकी चर्चा, दोनों की योग सार क्यों नहीं हो पा रहा है। योग सार का मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम अपनी तरफ लगना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं लग पा रहा है, इसका कारण योगिंद्र देव कहते हैं 52वें दोहे में, क्यों नहीं लग रहा। आ गया 52वां दोहा आपके सामने, धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। क्यों नहीं लगा, धंधे पड़ा, धंधे में लगा हुआ है, धंधे से फुर्सत नहीं है, बिजनेस मैन, बिजनेस, निरंतर बिजी लगा हुआ है, उसी में लगा हुआ है। सीजन का समय आ जाए और शिविर लगा हुआ हो, अभी तो सीजन का समय नहीं है, फिर भी शिविर लगा हुआ है तो क्यों नहीं आ रहे, अब तो गर्मी हो रही है। लेकिन जो धंधे में पड़ा हुआ है, व्यापार धंधे में ही लगा हुआ है, उसे फुर्सत नहीं है, और फुर्सत नहीं है तो कब वह स्वाध्याय करेगा, कब चिंतन करेगा, कब मनन करेगा। निरंतर वही अंदर में चल रहा वो तो कैसे रहेगा। मैं पूछता हूं, हमें दिन में ज्यादा पाप लगता है कि रात में ज्यादा पाप लगता है। दिन में ज्यादा पाप लगता है कि रात में ज्यादा पाप लगता है, कब होता है पाप का बंद, कब होता होगा। दिन में होता है जब हम करते रहते हैं, रात में तो क्या हो गया, जाकर के सो गए, फिर तो क्या हुआ। लेकिन देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला में लिखा, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। जब वह सो गया है तो फिर कैसे कह रहे हैं शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, क्यों कह रहे हैं। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, दिन भर विषयों में रचा पचा है, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निशिदन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। तो दिन भर हमारा समय जब इसी में जा रहा है, धंधे में लगा, क्यों धंधे में क्यों लगा हुआ है, व्यापार धंधा क्यों कर रहा है, धन कमाना है, संपत्ति कमाना है, किसके लिए कमाना है, धन संपत्ति कमा करके क्या करना चाहता है, पांच इंद्री विषय भोगों को इकट्ठा करना चाहता है, उनको भोगना चाहता है, तो इसी में लगा हुआ है और दिन भर इसी में रचा पचा हुआ है और इसी में रचा पचा और सो गया, तो फिर रात में क्या परिणाम आएंगे, क्या भाव आएंगे, क्या चलेंगे। मराठी में कहावत है, मराठी में कहते हैं, जे मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। क्या मतलब, जो हमारे मन में होता है वही सपने में दिखता है। तो जब हम दिन भर विषय कषाय में रचे पचे हैं, जो व्यापार धंधे में लगे हुए हैं, वो व्यापार धंधे में रचे पचे हैं, तो रात में क्या करते हैं। रात में व्यापार धंधा चलता है, आपके सबके बच्चों का ख्याल होगा, बच्चे दिन भर खेल कूद करके सो जाते हैं और सोते सोते भी क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। वो क्रिकेट का यदि शौक ज़्यादा हो ना, तो रात में ही चलते चलते, अरे दे जल्दी बॉल फेंक, रात में ही बड़बड़ाने लगते हैं, क्यों, उसी में रचे पचे हैं, वही चल रहा है, तो रात के में भी चलता रहता है अंदर अंदर। ऐसे ही जो धंधे में पड़े हुए हैं, वो रात में भी धंधा उनका चलता रहता है। अरे ज्ञानी तो धंधे के लिए मन वचन काय इनमें से किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मन वचन काय में से किसकी ज़्यादा जरूरत, तो सबकी ज़रूरत होती है। मन से नहीं करोगे तो धंधा थोड़ी चलेगा, वचन से अच्छे से नहीं बोलोगे तो चलेगा ही नहीं, और काया से भी करना पड़ेगा। लेकिन
जो धंधा, जो व्यापार, जो कार्य हमको करना है, वह जब एक बार सेट हो गया, अब सेट होने के बाद में मन से उसमें कितना जुड़ना पड़ता है, वचन से कितना जुड़ना, जितना आवश्यकता है उतना जुड़ना पड़ता है। लेकिन हम मन वचन काय सबसे निरंतर उसी में जुड़े रहते हैं। पंडित भूधरदास जी की बात आती है, पंडित भूधरदास जी की आगरा में कहते हैं एक छोटे से परचूनी की दुकान थी, जिन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया भजन लिखे भूधरदास जी ने, उनकी परचूने की दुकान थी। और वे परचूने की दुकान पर क्या करते थे, करें वे दुकान पर बैठे हैं और हमेशा तो ग्राहक आने वाला नहीं है, दिन भर तो ग्राहक आएगा नहीं, तो जब ग्राहक आता तो उसे सौदा तोल कर दे देते और बाकी समय क्या करते। आजकल की बात हो, आजकल के व्यक्ति उसके बाद में क्या करते, ग्राहक नहीं हो तो आजकल के व्यक्ति क्या करेंगे, अजय क्या करेंगे, मोबाइल में उलझ जाते हैं। और उस समय मोबाइल नहीं थे, बहुत अच्छी बात थी। वे उसके बाद में अपने शास्त्र रखे रहते थे, शास्त्र उठाते और अपने शास्त्र स्वाध्याय में लग जाते, फिर कोई ग्राहक आता उसे तोल कर देते, फिर अपने स्वाध्याय में लग जाते। तो जब जहाँ आवश्यकता है उतना किया, बाकी अपना सारा मन स्वाध्याय में लगाया है, चिंतन मनन में लगाया है। ये ज्ञानी, वे भी तो धंधे पड़े कह सकते हैं ना, लेकिन फिर भी धंधे में मन वचन काय पूरा योग उसमें लगाया नहीं, उतना जुड़े नहीं हैं। दौलत राम जी के संदर्भ में भी ऐसा आता है। दौलत राम जी कपड़ा छपाई का काम करते थे और कपड़ा छपाई के काम में वो कपड़ा छाप रहे हैं, उसमें करना क्या है कि कपड़ा आपके सामने आ रहा है, ठप्पा लगाना है आगे बढ़ाना है, ठप्पा लगाना है आगे बढ़ाना है। एक बार समझ लिया, एक बार सेट हो गया, अब क्या करना है। तो क्या करते थे वे, उस बगल में शास्त्र रखते थे और शास्त्र में से एक गाथा पढ़ी, उस पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, इधर काम चल रहा है। फिर दूसरी गाथा पढ़ी, चिंतन मनन चल रहा है। माने जहाँ वचन की आवश्यकता है वचन दिया, काया की आवश्यकता है काया दी, लेकिन मन तो हमारे पास में है, तो उस मन का उपयोग जब तक हम इधर नहीं करेंगे तब तक वह योग सार जुड़ने वाला नहीं है। अब मन वचन काय से व्यापार धंधा पर में ही जुड़े रहेंगे तो इधर की रुचि होने वाली नहीं है। हमारी ये स्थिति हो रही है, इसलिए योगिंद्र देव कह रहे हैं, धंधे पड़ा सारा जगत, निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। छोटे दादा एक बार भीलवाड़ा में प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उन्होंने जो ज्ञान की महिमा करते हुए कहा गया है ना, जो ज्ञान है, कौन सा दोहा है, हाँ जी, धन समाज गज बाज राज कछु काजन आवे, ज्ञान आपको रूक रहे फिर अचल रहावे। अरे धन समाज गज बाज राज ये तो कुछ काम आने वाला नहीं है, लेकिन ज्ञान हमारा रूप है, वही काम आने वाला है। एक बुजुर्ग विद्वान आगे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बंद करो, क्योंकि उस समय तो डॉक्टर साहब की उम्र बहुत छोटी सी थी और ये छोटे से इतनी उम्र वाला बालक हमको समझा रहा है, और ये आप विद्वानों का एक ही काम है क्या करना, व्यापारियों की, सेठियों की निंदा करना और विद्वानों की अपनी प्रशंसा करना। माने सेठियों की निंदा कर रहे हैं और विद्वानों की प्रशंसा, अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो, बंद करो। आप भी कहोगे धंधे पड़ा सारा जगत ऐसा कह करके अकेले व्यापारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन योगिंदु देव ने अकेले व्यापारियों की बात नहीं की है, वो विद्वानों की बात भी की है। और विद्वानों के लिए वो क्या लिखते हैं, अगला 53वां दोहा है,
शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। जो धंधे में पड़े हुए व्यापार धंधे में वो धंधा करने में लगे हुए हैं, और जो ज्ञानी विद्वान उनका भी व्यापारी तो हो गया, उनका भी तो व्यवसाय हो गया, अपनी बुद्धि को इन्होंने शास्त्र पढ़ने में लगा दिया, तो शास्त्र पढ़ रहे हैं। युगल जी कहा करते थे कि एक क्रियाकांड करना निरर्थक है, स्वाध्याय करना चाहिए, पूजा पाठ इसी में लगे रहते हैं, घंटों पूजा करते हैं, भी थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। तो क्रियाकांड का निषेध करके स्वाध्याय करने के लिए कहा तो वह कहते थे भैया वो क्रियाकांड का निषेध किया और स्वाध्याय करने के लिए कहा तो आपने एक नया क्रियाकांड और खड़ा कर लिया। कौन सा? स्वाध्याय का। हमें स्वाध्याय करना है, हमें स्वाध्याय करना है, तो स्वाध्याय को भी हमने एक क्रियाकांड के रूप में लिया। तो उसका उद्देश्य जो तत्व का चिंतन मनन था, तत्व का विचार था, तत्व की गहराई में उतरना था, उसमें नहीं पहुंच पाए। जैसे पूजा करने की क्रिया कर ली, वैसे ही स्वाध्याय करने की क्रिया और विकसित कर ली, नया क्रियाकांड और हमने विकसित कर लिया। योगसार प्रावृत में तो यहाँ तक लिखा है, जैसे व्यापारी धंधा करके धन संपत्ति इकट्ठी करता है, और धन संपत्ति इकट्ठी करता है तो धन संपत्ति उसका परिग्रह है, ऐसे विद्वान लोग बहुत शास्त्र पढ़ करके, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, ये जो शास्त्रों का अध्ययन किया है ये विद्वानों का परिग्रह है, उन्होंने भी परिग्रह इकट्ठा कर लिया, तो फिर शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहिए क्या? शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय करना चाहिए अर्थात स्व की मुख्यता से, स्व को समझने की मुख्यता से करना चाहिए। स्व के समझने की मुख्यता से करेंगे तो हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे, और अकेला ज्ञान की मुख्यता से करते जाएंगे, ज्ञान बढ़ाने के लिए करते जाएंगे तो निरर्थक होगा। और जो विद्वान शास्त्र पढ़ता जीव जड़, और अकेला जो शास्त्र पढ़ रहा है वो शास्त्र में वर्णित अपनी आत्मा को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसे जड़ कह रहे हैं, आत्मा जाने नहीं। और सचमुच जो शास्त्र पढ़े, अब पढ़ने का मतलब क्या, उभय ने विरोध ध्वंसिनी सात पदांके जन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रण मम नय पक्षम निक्षंत एव। समय सारूप शुद्ध आत्मा को भी तत्काल देखते हैं, कौन देखते हैं? जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा, जो जिन वचनों में रमन करते हैं, जिन वचनों में रमन करते हैं, वही तो शास्त्र पढ़ना ही तो हुआ ना। शास्त्र पढ़ना ये जिन वचनों में रमनता नहीं है, तो जिन वचनों में रमनता कैसी है? दादा ने उत्तम तप धर्म के उसमें जहां स्वाध्याय की चर्चा है ना, वहां एक बात लिखी है, जैसे हमें किसी उपन्यास पढ़ने की रुचि है, ऐसे किसी शास्त्र पढ़ने की कभी रुचि हुई है? जैसे उपन्यास पढ़ने की रुचि हुई है, वैसे कभी शास्त्र पढ़ने की रुचि हुई है? अब ये भी तो पुराने जमाने की बात है, उपन्यास भी पढ़ने की रुचि कहाँ रही है, पढ़ने की कहाँ रही है? अब तो टीवी आ गए तो सीरियल देखने लग गए थे, अब वो भी चले गए तो अब मोबाइल में देखने लग गए, अब इन्हीं में उलझ करके रह गए। उपन्यास पढ़ने वाले, उपन्यास पढ़ने की जहाँ रुचि होती है, ऐसे शास्त्र पढ़ने की रुचि है क्या? दो अंतर है, जो उपन्यास पढ़ता है वह उपन्यास पढ़ते समय एक बार उपन्यास पढ़ना शुरू किया तो पूरा किए बिना छोड़ता नहीं, पूरा पढ़ता है, रुचि है। और दूसरा, जब वो उपन्यास पढ़ने में रुचि उसकी तभी होती है
वह उसके साथ जुड़ता है, खास करके उसका जो नायक होता है उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ अच्छा हो तो अच्छा लगता है, बुरा हो तो बुरा लगता है, इतना उसके साथ एकाकार हो जाता है। उस उपन्यास के नायक के साथ हमारा जुड़ान होता है तब हमें उपन्यास का आनंद आता है और हम उपन्यास पूरा पढ़ते हैं। ऐसा शास्त्र पढ़ने की हमें रुचि हुई क्या? शास्त्र का नायक कौन है? शास्त्र का नायक कौन है? किसकी चर्चा है शास्त्र में? भगवान महावीर के प्रतिपादन का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ है ना, उसमें दूसरे सर्वोदय तीर्थ वाले पार्ट में लिखा है भगवान महावीर के प्रतिपादन का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा है। माने सारे शास्त्रों का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा है, माने जनवाणी का नायक भगवान आत्मा है। तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भगवान आत्मा के साथ जैसा वह नायक के साथ एकाकार होते हैं वैसा होते हैं क्या? और जैसा उपन्यास रुचि पूर्वक प्रारंभ किया तो पूरा करते हैं, ऐसा शास्त्र रुचि पूर्वक पूरा करते हैं क्या? अरे आज तक एक शास्त्र का अखंड स्वाध्याय नहीं किया है तो अखंड आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ये भी धर्म के दश लक्षण में वाक्य लिखा है, किसी शास्त्र का अखंड स्वाध्याय नहीं किया है तो अखंड आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? उस अखंडता में हाँ हमने बराबर पहला प्रारंभ किया था, अंतिम तक पढ़ा, बराबर पूरा नहीं हुआ तब तक नहीं छोड़ा, लेकिन क्या विषय आ रहा है उस विषय की भी पूरी अखंडता हमारी उसके साथ में रही कि नहीं रही। मैं तो अनेकों बार कहता हूँ हमें गाली सुनना आता है लेकिन जिनवाणी सुनना नहीं आता है। गाली सुनना आता है जिनवाणी सुनना नहीं आता है का क्या मतलब है? गाली सुनना आता है इसका मतलब ये है कोई गाली आपको दे तो क्या होता है तत्काल? कुछ होता है? बार बार लाइट जा रही है ना, इसका ही भाव वासन हो रहा था कि क्या व्यवस्था है। गाली सुनने में जैसे ही गाली सुनी वैसे कुछ होता है कि नहीं होता है? क्या होता है उसकी प्रतिक्रिया? निरंतर तत्काल हम करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हम प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो दूसरा हमें प्रतिक्रिया कराने के लिए बाध्य कर देता है। दौलत राम जी ने तो किसी और संदर्भ में लिखा लेकिन हम इस संदर्भ में उपयोग करते हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मच फोवे, और हम गाली के संदर्भ में करते हैं। किसी ने गाली दी और कदाचित हमने नहीं सुना हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो दूसरा क्या कहता है? असुर कुमार जाति के भी बहुत से होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सुन ये क्या कह रहा है, हाँ सुन लिया ना, समझ समझ में नहीं आया तुम्हें, हाँ समझ में आया ना, तो चेत चेत माने कुछ करो, इसका कुछ करो। और काल वृथा मत खोवे, काल वृथा मत खोवे मतलब अरे चला जाएगा, तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो ये चला जाएगा। वहाँ तो हम बराबर तैयार थे, अरे दूसरा कोई करे नहीं करे वो गाली सुनते ही लग जाती है ना, कहाँ लग जाती है, कहाँ लगती है? गोली जैसी लगती है गाली, गोली जैसे कहाँ लगती, क्यों लगती है? क्योंकि सुन करके भाव भाषित करते हैं और भाव भाषना के साथ उसके साथ जुड़ते हैं। ऐसा ही जिनवाणी सुन करके यदि हम जिनवाणी के भाव को भाषित करें और उससे जुड़े तो आत्मा तक पहुँच पाएंगे, और वहाँ तक नहीं जुड़ेंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे।
इसके लिए योगेंद्र देव कह रहे हैं, शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, ऐसा शास्त्र पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, चाहे धंधा करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सारा धंधा बंद कर दिया है, अब तो हम क्या करते हैं, अकेला शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। तो भैया समझदार ये कहेंगे, तुमने एक धंधा बंद कर दिया और दूसरा धंधा शुरू कर दिया, हाँ ये धंधा करने जैसा है, क्योंकि इसमें ज्ञान की वृद्धि होगी, लेकिन इसके साथ इतना जोड़ो कि उस ज्ञान को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करो। बड़े पंडित जी के वाक्य के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, सहज ही मिलना हुआ और शायद बुद्धिपूर्वक उन्होंने मेरे से बात कही होगी। उन्होंने कहा, अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। क्या अंतर हो गया अध्ययन और स्वाध्याय में, क्या अंतर हो गया? थोड़ा सा ही तो अंतर हुआ। अच्छा, स्वाध्याय में क्या किया जाता है? पढ़ना ही तो है। और अध्ययन में क्या किया जाता है? पढ़ाई तो जाता है। अंतर क्या रहा अध्ययन में और स्वाध्याय में? अब हमारे महाविद्यालय में आएंगे तो शास्त्री की उपाधि मिलेगी, तो अध्ययन तो करना पड़ेगा, तो अध्ययन करेंगे तो उपाधियां मिलेंगी। लेकिन स्वाध्याय का मतलब क्या? तो उसी अध्ययन में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे अपने को समझना है। वो अपनी मुख्यता से यदि अध्ययन करेंगे तो स्वाध्याय कहलाएगा, तो हमारा उपयोग अपने से जुड़ पाएगा और तब हम योग समाधि ध्यानम इत्यनर्थांतरम, योग है वो ध्यान है समाधि है, उस तरफ चल पाएंगे। इसलिए स्व की मुख्यता से स्व को ऊर्ध्व रख करके हम यदि अध्ययन करेंगे तो हमारा एक कार्य हो सकेगा। तो हम इससे आगे चल करके अब अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं, ये तो बताया क्यों नहीं हो पा रहा है, अब होगा कैसे, इसका क्या उपाय है, इसका उपाय योगेंद्र देव जिन दोहों में बताएंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।